सबसे पहला खतरा जब यहाँ पे सिस्टम अच्छा होने लगता है और पीस प्रॉस्पेरिटी आने लगती है, एक आम जनता एक आम जिंदगी जीने की राह के ऊपर चलती है, उसको आदत हो जाती है। आपने देखा है आदत हो गई थी लोगों को, जब ये आदत होने लगती है तो सबसे बड़ा खतरा उसी को होता है जिसके जिसके पैसा जिसका एक वो नेक्सस के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का मज़ा चल रहा था वो खतरे में पड़ जाता है। तो कोई नहीं चाहता कि कश्मीर की जनता जो है एक आम जिंदगी जीने लगे। टूरिज़्म कितना बढ़िया होने लगा, लोगों की एजुकेशन, आप ये कोविड मैनेजमेंट देखिए, सबसे पहले 100% इनोकुलेशन जिसकी होनी थी वो यहाँ हुई, पूरे देश भर के अलावा कई जगह से वो जो कहते हैं कोवैक्सीन वगैरह है उठा करके यहाँ पे डाला गया, सबसे कम यहाँ पे केसेस हुए, सबसे अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे हुआ, डेवलपमेंट की पूरे एक्टिविटी चली रही हैं। तो एक यहाँ पर पिस्टल बॉर्न यूथ जिसने किसी ने ड्रग लिया हुआ है, किसी ने कुछ पैसे के उसके चक्कर में ये पूरी उन्होंने कार्रवाई करी, और उस कार्रवाई करने से क्या होता है कि सिक्योरिटी जब ख़राब होती है तो सबके लिए सिक्योरिटी ख़राब होती है। नुकसान किसका होगा, किसी नॉन लोकल को गोली मारी आपने, प्रिंसिपल को क्यों गोली मारी गई, एक महिला को कौन क्यों गोली मारी गई, एक टीचर को क्यों गोली मारी गई। वही हिसाब है कि सबसे पहले हिट करो एजुकेशन के ऊपर, सबसे पहले हिट करो लोगों को डिस्कम्फर्ट ले आओ, क्योंकि नॉन लोकल जो यहाँ पे आके काम कर रहा था वो क्या काम कर रहा था, वो तो यहाँ पे कश्मीरी जनता के साथ में सेब या फार्मिंग या जो नॉर्मल स्टिक हॉकी का काम कर रहा था, कोई फेयर का तो मामला था नहीं, कोई टेररिस्ट और टेररिज्म वालों के बरखिलाफ़ था नहीं वो, मगर एक फेयर का माहौल पैदा करना उनकी रिक्वायरमेंट थी जो उन्होंने करा है। और थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो आप देख ही रहे हैं लोगों को होगी होगी, मगर हम यही यकीन करेंगे कि एक आम जनता को कम से कम चीज़ के अंदर तकलीफ हो, मगर सपोर्ट तो दोनों का चाहिए। सर रिपोर्ट्स है इन्फिल्ट्रेशन कुछ ग्रुप की हुई है और वही जो अब है कमांड संभालने के लिए यहाँ पहुँचे हैं जो ग्रुप इन्फिल्ट्रेटेड हुए थे, इस बारे में सर आपका क्या? देखिए ऐसा है कि LC के अंदर चप्पा चप्पा तो कवर नहीं हो सकता, हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन हुई हो, अगर आपको पता है तो हमें बताएं, हम यकीनन उनको जहाँ पे वो जाने के लिए आए हैं वहाँ हम तेज़ी के साथ उनको थैंक यू अलविदा कह देंगे। हमारा काम है भाई, अगर आप बाहर के हो कहीं के हो हथियार पकड़ा है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कम्युनिटी के अंदर एक चीज़ होती है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंदर सिर्फ पुलिस के पास में हथियार उठाने का हक होता है। हमको भी तब हक मिलता है यहाँ पे हथियार उठा के चलने का आबादी के अंदर जब जहाँ पे खतरा हो।